ये मिनी कतर है। ये एक बड़ा इवेंट है हमारे लिए, एक मेला लग जाता है वर्ल्ड कप के सीजन में। पुर्तगाल की सिर्फ एक ही वजह है, वो रोनाल्डो। अर्जेंटीना, ब्राजील, पुर्तगाल, इनके फ्लैग्स बना रहे होते तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हमारी टीम भी क्वालिफाई करे, हम उसका भी झंडा बनाए। फुटबॉल ग्राउंड में तकरीबन 20x22 का एक स्क्रीन लगेगा, हम पूरे कराची को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ये कहने पे तो सिद्दीक रोड कहलाता है, लेकिन इस दरमियान जो आप यहाँ पे खड़े हैं ये मिनी कतर है, पाकिस्तान में दूसरा कतर। वर्ल्ड कप पे वॉल चैकिंग हो रहा है और पैनाफ्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, वर्ल्ड कप के फ्लैग जो हमें बड़े मुश्किल से मार्केट से ढूंढ ढूंढ के लाए, अभी रखे हुए और उसकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। फुटबॉल का मलिर के अंदर सिद्दीक रोड में बहुत ही ज़्यादा रुझान था, यहाँ के बच्चे बड़े मिडल एज के जितने भी लड़के हैं सारे इन्वॉल्व होते हैं इस फेस्टिवल को, 4 साल वेट करते हैं इस चीज़ का, मतलब यहाँ पे यूँ समझ लें कि एक मेला लग जाता है वर्ल्ड कप के सीज़न में। पेंटिंग होती है, फ्लैग्स लगते हैं, हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है। फुटबॉल इवेंट आने वाला है तो इसी सिलसिले में हमारे जो जितने भी हैं ये यूथ यंगस्टर्स हैं उनमें तैयारियाँ पुरजोश तरीके से हो रही हैं और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे आकर यहाँ पर और ज़्यादा क्राउड होगी, इसमें और इन्वायरमेंट में चेंजिंग आएगा। ये एक बड़ा इवेंट है हमारे लिए, तो खासकर हर 4 साल बाद आता है, लेकिन इस इवेंट में आप कह सकते हैं कि एक खुशनूदी है, एक हिसाब से लोगों में आप चहल पहल देख रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, अवेयरनेस हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सोसाइटी का। लाइक यहाँ पर स्केचेस बने हुए हैं, पेंटिंग हो रहा है, वॉल पेंटिंग हो रहा है, फ्लैग बने हुए हैं आप देख रहे हैं आगे पीछे, और अभी आने वाले दिनों में हमारे पास पैनाफ्लेक्स लगेगा ग्राउंड में। सबसे पहली तैयारी तो ये होती है कि हम अपने इलाके से चंदा लेते हैं, घर से हर लोगों से जो कारोबारी लोग हैं बाहर रहते हैं कनाडा वगैरह जर्मनी ईरान, वो हमें फंडिंग करते हैं, जो कि कुछ लोग हैं वो सब फंडिंग करते हैं, तो उसके बाद हम ये कलर वगैरह की तैयारी करते हैं, जो हमारे डिस्क प्रोटेक्शन टीम है और कुल बलोच टीम है उनके सारे प्लेयर वगैरह हम सब एक टीम बना के कमेटी बना के बस ये काम करते हैं। हम पुर्तगाल की झंडी को कलर कर रहे हैं, खैर वैसे हर कोई अपने झंडे को कलर कर रहा है, मैं पुर्तगाल के झंडे को कलर कर रहा हूँ। पुर्तगाल की सिर्फ एक ही वजह है, वो रोनाल्डो, उससे अलावा तो नहीं, बस रोनाल्डो की वजह से सपोर्ट करता है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अभी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल खास होगी, लेकिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस देगा। मेरा फेवरेट टीम अर्जेंटीना, इस वक्त मैं अर्जेंटीना की झंडी बनाया, वैसे हमारा फेवरेट प्लेयर आपको जानते हैं वैसे अलहमदिल्ला बहुत अच्छा खेलता माशाल्लाह, और नेक्स्ट प्लेयर हमारा जो फ्यूचर में आने वाला प्लेयर है दिबाला। एक्चुअली मेरा तो खुद अपना फेवरेट टीम तो जर्मनी है और मैं होपफुल हूँ कि जर्मनी जीतेगा इस मरतबा, क्योंकि एज अ फैन तो मेरा भी यही होप होगा कि जर्मनी जीत जाए इस मरतबा फिर से और इसके स्टार 5 हो जाए इंशाल्लाह। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फेवरेट की बात करें तो फेवरेट तो ब्राज़ील है, लेकिन मैं खुद अर्जेंटीना का फ़ैन हूँ, आपको आप खुद भी जानते हैं कि बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान में जैसे लियारी हो गया, मलिर हो गया, यहाँ पे क्राउड ज़्यादातर जो है ना ब्राज़ीलियन फैंस आपको मिलते हैं और ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारे मोहल्ले सिद्दीक विलेज में भी जो है ना ब्राज़ीलियन फैंस ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अर्जेंटीना फ़ैन हूँ खुद और मैं जाहिर सी बात है अर्जेंटीना को ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन फेवरेट जो है वो ब्राज़ील है। फुटबॉल ग्राउंड में तकरीबन 20x22 का एक स्क्रीन लगेगा, हम पूरे कराची को वेलकम करने के लिए तैयार हैं और पूरी कराची को मिटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास बुल बलोच फुटबॉल क्लब सिद्दीक गोर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में एक बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम मौजूद है, यहाँ पर ब्राज़ील है, मेरा फेवरेट टीम तो ब्राज़ील है, लेकिन उससे भी अच्छी टीम है पाकिस्तान जो हमारी टीम है वो अगर आप देखें तो टॉप 100 में भी नहीं है फीफा रैंकिंग में। ऐसे ही अब इसी हवाले से हम खुद पाकिस्तानी हैं तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि जिस तरह हम अर्जेंटीना के झंडे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पुर्तगाल इनके फ्लैग्स बना रहे होते तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हमारी टीम भी क्वालिफाई करे, हम उसका भी झंडा बनाए, उसका भी मैच देखें। तो ये मैं खुद पर्सनली एक फुटबॉलर हूँ, फुटबॉल क्लब से मेरा ताल्लुक है, मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी टीम पाकिस्तान टीम फीफा में क्वालिफाई करें।